फूडीज, मैं सबा फिरोशी एंड वेलकम टू सबास किचन। दोस्तों, सर्दी का मौसम है तो मैं मार्केट गई थी, जहां मुझे नींबू बड़े ही सस्ते मिल गए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए नींबू के अचार की रेसिपी बनाई जाए। क्यों, नींबू का अचार सुन के मुंह में पानी आ गया ना? जी हाँ, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट नींबू का अचार बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन नींबू के अचार को जो गलाने का प्रोसेस है वो करीब 10-12-15 दिन लग जाते हैं। लेकिन जब आपका नींबू का अचार बनकर तैयार होगा तो यकीन माने आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे कि नींबू का अचार आपने घर पर बनाया है। इतना टेस्टी बनता है ये नींबू का अचार। तो फिर चलिए बनाते हैं नींबू का अचार। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। नींबू का अचार बनाने के लिए हम बनाएंगे मसाला। तो मिक्सर जार ले लीजिए जिसमें आपका मसाला बारीक पिस जाता हो। जार में डालें 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। ये मैंने करीब 20 से 22 काली मिर्चें ली हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी के साथ ये मैंने 3 पिपली ली है। अंग्रेजी में इसे लॉन्ग पेपर कहते हैं। लगभग ये भी स्पाइसी होती है, लेकिन काली मिर्च से काफी अलग टेस्ट होता है इसका। अगर आपके पास पिपली है तो 3-4 पिपली तोड़कर डाल दें, अदरवाइज ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर दें। बस इतने ही मसाले मिक्सर जार में डालें और फिर इसे बेहद महीन पीस लें। ये देखिए, इस तरह से सभी खड़े मसालों को मैंने बारीक पीस लिया है। देखिए, यह हमने अचार के लिए मसाला तैयार कर लिया। अचार में और भी मसाले डालेंगे, लेकिन फिलहाल इस मसाले को पीसने के बाद इसे रख दें साइड में। और फिर नींबू का अचार बनाने के लिए हम ले लेंगे नींबू। ये मैंने नींबू लिए हैं जो कि 1.25 किलो यानी कि 750 ग्राम करीब है। इसी तरह से 24-25 नींबू ले लीजिए। नींबू ज्यादा कड़क ना हो और गले हुए या फिर पिलपिले से भी ना हो, दागी ना हो, और मोटे छिलकों वाला नींबू भी आप ना लें। जो नींबू के पतले छिलके होते हैं ना, वो जल्दी ही गल जाते हैं, मतलब कि कम टाइम लगता है उसे गलने में। देखिए, आप जितने फ्रेश और अच्छी क्वालिटी वाले नींबू लेंगे तो आपका अचार उतना ही मजेदार बनेगा। और हाँ, नींबू का अचार बनाने से पहले नींबू को अच्छे से वॉश कर लें और सूखे कपड़े से पोंछ कर नींबू सुखाने के बाद ही इसे 4 या फिर ऐसे 8 टुकड़ों में काट कर रख लें। देखिए, मैंने नींबू को 4 टुकड़ों में भी इस तरीके से काटा है और 8 टुकड़ों में भी नींबू को काट कर रख लिया है। नींबू ऐसे छोटे बड़े पीसेस में काटने से क्या होगा ना कि अचार ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा अचार खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं बस स्वाद के लिए ही अचार खाने में लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी मर्जी, नींबू को आप जैसे काटना चाहें वैसे काट कर रखें। अच्छा, नींबू को जब आप टुकड़ों में काटें तो जितना हो सके नींबू के बीजे निकलते हों उन बीजों को आप निकाल दें। बस ध्यान रखें कि नींबू में से ज्यादा रस ना निकल जाए। तो चलिए, नींबू काटने के बाद इसमें डाल देते हैं नमक। ये मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच नमक। इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच करीब काला नमक डाल दें, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। देखिए, लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, जितना तीखा अचार आप खाना पसंद करते हो। क्योंकि हमने काली मिर्च और पिपली भी मसाले में पीसा है तो ध्यान रखिए वो मसाला भी हमारा थोड़ा सा स्पाइसी ही है। और फिर 1/2 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिला लेंगे चम्मच की सहायता से। ध्यान रखिए, चम्मच आपका बिल्कुल ही सूखा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने चम्मच को धो लिया और फिर उसे गीले चम्मच से अचार के मसालों को मिलाने लगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, पानी लगने से अचार खराब हो जाता है, फिर चाहे 1-2 बूंदें ही क्यों ना हो पानी की। तो लीजिए, मसाला मैंने नींबू में मिला लिया। अब हम इसमें शुरुआत में जो मसाला पीसकर हमने तैयार किया था, सारा का सारा मसाला डालकर इसे भी हम बढ़िया से सभी नींबू के साथ मिला लेंगे। तो देखा आपने, नींबू में हमने लगभग सारे मसाले मिला लिए अचार के। तो चलिए, अब हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं कांच की बर्नी में। सॉरी फूडीज, अभी मेरे पास छोटी कांच की बर्नियां खाली नहीं है, सो इसीलिए मेरे पास यही कांच की बड़ी बर्नी है। तो नींबू के अचार को मुझे इसी में स्टोर करना पड़ेगा। देखिए, आप कोई भी अचार क्यों ना बनाए, मैं आपको कांच की बर्नी ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि कांच की बर्नी में अचार बेहतरीन गलता है। अचार में फंगस, फफूंद वगैरह लगने का टेंशन भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी अचार आपको केयरफुली हैंडल करना ही पड़ेगा। और अचार स्टोर करने से पहले कांच की बर्नी को धोकर सूखे साफ सुथरे कपड़े से पोंछ कर सुखा लीजिए और फिर उसके बाद ही नींबू का अचार बर्नी में डालें। तो अचार को बर्नी में इस तरीके से भरने के बाद ढक्कन लगा दें और फिर करीब 15 दिनों तक रोजाना सुबह शाम बर्नी को इस तरह से शेक करते रहें। और अचार की इस बर्नी को आपको धूप में रखना है ताकि धूप अचार की इस बर्नी को लगती रहे और अचार गलने का जो प्रोसेस है 15 दिनों में कंप्लीट हो जाए। बाद आपका अचार बिल्कुल ही गल जाएगा और खाने के लिए इस तरह से तैयार हो जाएगा।
ये देखे मैंने मेरे इस नींबू के अचार को पूरे 15 दिनों तक धूप में रखा और सुबह शाम इस बर्नी को शेक करते हुए चलाती भी रही। जैसे कि ये देखिए मेरा नींबू का अचार कितना बेहतरीन गल गया है। वाओ, देखा आपने कितनी आसानी से नींबू टूट रहा है। खैर, मैंने तो 25 नींबू का ही अचार डाला था मेरे खाने के हिसाब से। आप चाहे तो अचार बनाने के लिए नींबू की क्वांटिटी बढ़ा कर भी ले सकते हैं, और अगर इस अचार को आप एहतियात से इस्तेमाल करें तो यही अचार आप 3 साल तक स्टोर करके खा सकते हैं। एहतियात मतलब कि आप अचार में पानी ना लगने दें, झूठा चम्मच अचार निकालने में इस्तेमाल ना करें और बीच बीच में बर्नी को हिलाते भी रहें। सर्दी का मौसम है, नींबू सस्ते मिल रहे हैं, तो फिर जाइए नींबू ले आइए और अचार बनाइए। बस आपको नींबू काट कर मसाला मिलाना है और बर्नी में स्टोर करके इसे धूप दिखाना है। तो देखा आपने नींबू का अचार बनाना है कितना आसान। आई होप फूडीज आपको नींबू के अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।